राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बांके बिहारी लाल की 3D पेंटिंग। इससे पहले मैंने एक राधा रमन जी की पेंटिंग का ट्यूटोरियल शेयर किया था, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि प्लीज़ आप बांके बिहारी जी की पेंटिंग, राधा रानी की पेंटिंग शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बांके बिहारी जी की पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ और बहुत जल्दी राधा रानी की पेंटिंग भी आएगी यूट्यूब चैनल पर। और प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करिए और शेयर करिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो स्किप करके देखने वाले हैं तो रिज़ल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आएगा। बिना स्किप करिए पूरा वीडियो देखिएगा और फिर धीरे धीरे बनाइएगा, आपकी आर्ट बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप रिक्रिएट करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 10x12 इंचेस का MDF बोर्ड। आप कैनवास बोर्ड या वुडन बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सेंटर में लाइन करने के बाद बेसिक स्केच बना लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बांके बिहारी जी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बांके बिहारी जी का सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहली वाली वीडियो में राधा रमन जी बनाए थे तो उनका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा बहुत सेम ही था, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। आपको अगर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ट्रेस भी कर सकते हो। ट्रेस करने से और ज़्यादा इजी और अच्छे तरीके से बन जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ अलग भी डिज़ाइंस ऐड करी हैं। यहाँ पर हम हैंड्स बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम हर वो चीज़ ऐड कर रहे हैं जो हमें क्ले से बनानी है, जैसे इस तरीके की माला ऐड करी और पीछे बैकग्राउंड में जो डिज़ाइन था वो भी हमने ऐड किया। इस तरीके से हम सब चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर छड़ी बनाएंगे, प्लो बनाएंगे पीछे। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ पर क्ले वर्क करो। आप कोई भी चीज़ को उभारना चाहते हो तो आप क्ले कर सकते हो, और जो भी चीज़ को आप उभारना नहीं चाहते हो, आप उसको 3D लुक लेना नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर आप बिना क्ले वर्क के कर सकते हो। तो हमने ये पेंसिल नॉर्मल पेंसिल यूज़ करी है, कोई भी स्पेशल पेंसिल नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ करके आप स्केच बना सकते हो। उसके बाद मार्कर से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया था और फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको इरेजर कर दिया। फिर यहाँ पे लिया मोल्डेट। मोल्डेट को सेम रेशियो में मिक्स करते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। रेजिन और हार्डनर हम दोनों मिक्स करने के बाद इस तरीके के वाइट क्ले बना लेते हैं। अब बस आपको क्ले को सारे पार्ट्स पे लगाते जाना है। इस तरीके से हमने ड्रॉप शेप बनाया और इसको प्रेस करके जो बेसिक शेप थी हमारी, जो बेस में शेप थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रेस कर दिया। इस तरीके से हम ये बॉडी वाला पार्ट बनाएंगे। नीचे लेग्स के लिए हमने बड़ी सी क्ले ली, लंबी सी, और इसको भी हमने फ्लैट कर दिया। तो हम इसको फिंगर से थोड़ा दबाकर अच्छे से सेट कर देंगे। फिर हम हैंड्स वाले पार्ट के लिए एक ऐसे ही लाइन बनाएंगे लंबी सी, और इसको भी हम ऐसे वी शेप में पेस्ट कर देंगे। दूसरे हैंड्स के लिए एक छोटी सी लाइन बनाएंगे। पिलो के लिए ऐसे लाइन कर दिया। और फिर अभी हमारी माला बनने वाली है, माला के लिए हम इस तरीके से क्ले लगा देंगे। तो वीडियो काफ़ी फास्ट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो होती है। वैसे ये 35 मिनट्स की वीडियो थी, बट मैंने इसको शॉर्ट कर करके आपके लिए शेयर किया है और सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आप सेटिंग में जाकर स्पीड कम करके आराम से स्लो मोशन में सारी चीज़ें देख सकते हो। अभी हम पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से थोड़ी लाइनिंग कर रहे हैं। आप पेंसिल ले सकते हो, टूथपिक ले सकते हो, पेन ले सकते हो, वेस्ट जो भी आपके पास है, जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हो। इस तरीके से अब हम क्ले पर टेलकम पाउडर, नॉर्मल बॉडी पाउडर की कोटिंग करके एक रोटी वाली शेप बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी बेलते हैं, वैसे ही आपको क्ले को कर लेना है। और इस तरीके से कटिंग करके हम पीछे वाले बैक साइड वाले पार्ट में लगा देंगे। जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हो उभरी हुई, इस तरीके से आप इस टेक्निक को यूज़ करके दिखा सकते हो। राधा रमन जी की पेंटिंग में भी मैंने आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। अगर आप उसको फॉलो करते हो और प्रैक्टिस करते हो, बनाते हो चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और अगर आप देखते ही रहोगे, ट्राई नहीं करोगे, वीडियो देखकर नहीं बनाओगे, तो फिर अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो अच्छे से बनाइए और शेयर करिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर सकते हो आप।
अगर आप चाहते हो कि ये पेंटिंग आप अपने घर में लगाओ बट आपको बनानी नहीं आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8171269483, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं, और अभी हमने आउट ऑफ इंडिया डिलीवरी देना स्टार्ट नहीं किया है, बट अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको देनी पड़ेगी कहाँ पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करा देंगे। तो हमने यहाँ पर बना ली है बांके बिहारी जी की छड़ी। तो राधा रमन जी की छड़ी में मैंने आपको अलग तरीके से बताया था, बहुत ईजी तरीके से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी और आप बहुत अच्छे से अपनी आर्ट क्रिएट कर पाओगे। इस तरीके से हम लाइनिंग्स कर रहे हैं। जो भी टूल आपको मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम सारे टूल्स हों, आप किचन नाइफ यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। जो भी टूल आपके पास है वो टूल इस्तेमाल कर सकते हो। और क्ले की अगर बात करें कि आपको कोई भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हो या नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हम कोई अदर एयर ड्राई क्ले ले सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मोल्डेड से बेस्ट क्ले मुझे नहीं लगता कोई क्ले है, क्योंकि मैंने यूज़ करी है बहुत सारी क्ले, डिफरेंट तरीके की यूज़ करी हैं, बट मेरी जो प्रेफरेंस है वो मोल्डेड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बनानी है पेंटिंग, अच्छा मटेरियल यूज़ करके बनाओ। मोल्डेड क्ले थोड़ी सी महंगी आती है, बट इससे जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और प्लस ये वाटरप्रूफ क्ले है, अगर आप इसको पानी में भी डाल के रखोगे ना सालों साल, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इस क्ले का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यही वाली क्ले यूज़ करिए। देखिए, इस तरीके से हम शेप देते जाएंगे। जब हम फेस वाले पार्ट को शेप देते हैं तो हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तभी हमारी शेप्स अच्छे से बनती हैं। इसके बाद सारा कलर क्ले वर्क होने के बाद हमने इस पर वाइट कोट कर दिया था। वाइट कोट सूख जाएगा ना, फिर उसके बाद ही आपको अदर कलर्स करने हैं। अब आप बाकी बिहारी जी के जो चोली वाला पार्ट है, इसमें आप येल्लो कलर भी कर सकते हो, ग्रीन कलर भी कर सकते हो। येलो कलर उनका फेवरेट है, तो मैंने यहाँ पर येलो कलर किया है। आप ग्रीन भी कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट कलर है। बैकग्राउंड को आप किस तरीके से टेक्सचर देना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन लेकर आपस में मिक्सिंग करते हुए किया है। आप कोई भी कलर कर सकते हो बैकग्राउंड में। उसके बाद जो ये लाइन्स हमने पेंसिल से बनाई थी ना, जब क्ले हमारी ड्राई नहीं हुई थी, उस वाली लाइन्स में अब मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, थोड़ा सा कपड़ों को और अच्छा लुक देने के लिए। और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर कर रही हूँ पिंक कलर। पिंक कलर नहीं था ये, थोड़ा सा इसमें रेड कलर ज़्यादा ऐड हो गया था, तो ये वाली शेड मैंने कर दी है। यहाँ पर हम बॉर्डर को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मिरर वर्क करना है, बॉर्डर में मिरर वर्क कर सकते हो। इस तरीके की लैस लगानी है, लैस लगा सकते हो। और फिर हम अपना गोल्डन कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो भी कलर्स यूज़ करे हैं ना, वो सारे मैंने फेविक्रियल एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हैं, क्योंकि मुझे वो जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी अच्छी क्वालिटी के एक्रेलिक कलर्स कैमलिन के ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है, तो वो भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही वाले कलर्स यूज़ करती हूँ और उनसे काफ़ी अच्छी आर्ट बनती है। फिर हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए इस तरीके की चैन सेट करेंगे। चैन्स नक्स को पेस्ट करने के बाद हम लुक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने माला में थोड़ा सा कलर कर दिया है और हमारी बांके बिहारी जी की ये पेंटिंग कंप्लीट है। आपको मेरी बांके बिहारी जी की पेंटिंग पसंद आए ना, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मेहनत सफल हो जाती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करिएगा सबके साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।